का उर्दू खबरनामा लेकर आपका मेजबान रहमत के लिए मैं आपकी खिदमत में हाजिर है। बुलेटिन का आगाज सुर्खियों के साथ। जम्मू सूबे में सैलाबी सूरत हाल, कई गाड़ियां तबाह, मंदिर समेत मुतअद्दिद ढांचों को नुकसान। जिला रामबन के महाड़ इलाके में बादल फटने से हर तरफ तबाही के मंजर। वादी में भी हल्की बारिश, आइंदे 24 घंटे तक बारिश की महकमे मौसमियात की पेशन गोई। जम्मू कश्मीर के जिला राजौरी के परगाल दरहाल फौजी कैंप पर मिलिटेंटों का हमला, हमले में 3 फौजी अहलकार हुए शहीद। मेजर समेत 2 अहलकार के जख्मी होने की खबर। सिक्योरिटी फोर्सेज ने जवाबी कार्रवाई में 2 मिलिटेंटों को किया हलाक। मिलिटेंट हमले की एलजी ने की मजम्मत। 5 अगस्त को एक नए अंदाज में मनाने के लिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने लिया फैसला। हर साल 5 अगस्त को करप्शन से आज़ादी के दिन के तौर पर मनाएगी जम्मू कश्मीर सरकार। हर साल 5 अगस्त को तमाम सरकारी दफातर में तकारीब होंगी मुनक़िद। अफसरान करप्शन न लेने का लेंगे हल्फ। इंतखाबी रेवड़ियों का वादा करने वाली सियासी जमातों को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत। वादा करने वाली सियासी जमातों की मंजूरी को रद्द करने से अदालत ने किया इनकार। समाजी फलाह के मंसूबों और इंतखाबी रेवड़ियों में फ़र्क, पार्टियों की मंजूरी रद्द करना होगा गैर जमहूरी। नीतीश कुमार की क्यादत वाली महागठबंधन की हुकूमत 24 अगस्त को साबित करेगी अक्सरियत। 16 अगस्त को नीतीश कुमार की नई काबीना की होगी तौसी, तकसीम होंगे वजारत के कलमदान। तेजस्वी की राष्ट्रीय जनता दल को मिल सकता है 15 से 16 वजारत का कलमदान। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल जारी, फिर से सड़कों पर उतरने की तैयारी। 28 अगस्त को दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की तरफ से अजीमुशान रैली की हो रही है तैयारी। 17 से 23 अगस्त तक तमाम असेंबली हलकों के मुतअद्दिद मकामात पर महंगाई चौपाल का होगा इनेकाद। उत्तर प्रदेश के बांदा में पेश आया अंदोहनाक कश्ती हादसा, कश्ती में 20 लोगों के डूबने की मिल रही है खबर। अब तक 3 लाशें बरामद, कश्ती में कुल 36 लोग थे सवार, बकिया लोगों की तलाश अभी भी जारी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का मरकज सरकार पर फिर से पलटवार, मरकज सरकार मुफ्त सरकारी सहूलियात को बंद करने की कर रही है कोशिश, सिर्फ दोस्तों का कर्ज कर रही है माफ। मुल्क की मईशत पर भी केजरीवाल ने उठाए सवाल। और श्रीलंका के मफरूर साबिक सदर राजपक्षे ने छोड़ा सिंगापुर, थाईलैंड में राजपक्षे ने ले ली है पनाह। थाईलैंड में रहते हुए किसी दूसरे मुल्क में मुस्तकिल रहाइश के लिए इम्कान तलाशेंगे राजपक्षे। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। सुबह जम्मू में मुसलसल बारिश की वजह से तबाही की अजीबोगरीब कैफियत देखने को मिल रही है। जो तबाही के मनासिर हैं वो तकलीफ दे हैं। और जम्मू सूबे में गुज़श्ता 24 घंटों के अंदर जिस तरह की तबाही मुसलसल बारिश की वजह से और बादल फटने की वजह से हुई है, वो इंतजामिया के लिए भी एक बड़ा चैलेंज पैदा कर दिया है। महकमे मौसमियात की पेशनगोई के आयन मुताबिक बुध और जुमेरात की शब जम्मू सूबे में शदीद बारिशें हुई, जिसकी वजह से नदी नालों में तुगयानी आने के बायस कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई। इधर जिला रामबन के महाड़ इलाके में बादल फटने के नतीजे में नदी नालों में तुगयानी आई है, जिस दौरान माँ बेटी को पानी के तेज बहाव ने बहा लिया है। मालूम हुआ है कि रामबन में 3 मकानों को नुकसान पहुंचा है, जबकि सैलाबी रैलों से मट्टी जम्मू में शिव मंदिर को भी नुकसान पहुंचा है। इंतजामिया ने लोगों से तलकीन की है कि वो नदी नालों और दरियाओं के नज़दीक जाने से गुरेज करें। जम्मू सूबे में दौरान शब तूफानी बारिशों के बायस नदी नालों में तुगयानी आई। महकमा मौसमियात के माहिर फैजान किंग ने बताया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान जम्मू शहर में 189.9 मिलीमीटर बारिशें रिकॉर्ड की गई हैं, जिसने अगस्त में होने वाली बारिशों की गुज़श्ता 24 वर्षों के रिकॉर्ड को पाश पाश कर दिया है। उन्होंने बताया कि 23 अगस्त 1996 में जम्मू में 218.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी। उन्होंने कहा कि आने वाले 24 घंटों के दौरान जम्मू सूबे में मजीद बारिशों का इम्कान है, जिससे नदी नालों में पानी की सतह में मजीद इजाफा हो सकता है। इसी बीच आपको बता दें कि जम्मू से इत्तला मिली है कि तेज़ बारिशों के नतीजे में जम्मू के अक्सर नदी नालों में पानी की सतह में इजाफा हुआ है। बताया गया है कि जम्मू शहर के गुरु नानक रोड, बंतलालत, मॉडल टाउन, गंग्याल और रूपनगर में सैलाबी पानी रहायशी बस्तियों इलाकों में घुस आया है, जिसकी वजह से लोग घरों में दरमांदा होकर रह गए हैं। मालूम यह भी हुआ कि मट्टी जम्मू में शिव शक्ति की मंदिर को भी नुकसान पहुंचा है और इसकी दीवारें गिराई हैं। इनके मुताबिक जम्मू शहर में पानी के निकास को यकीनी बनाने की खातिर गर्चे दावे किए जा रहे हैं, ताहम मामूली बूंदाबांदी के साथ ही जम्मू शहर दरिया की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इसके अलावा मूसलाधार बारिशों और बादल फटने के बायस रामबन के महाड़ नाला में तुगयानी आई है, जिस वजह से माँ बेटी को पानी के तेज़ बहाव ने बहा लिया है। बताया गया है कि SHO रामबन, फौज और मकामी रजाकार तंजीमों ने माँ बेटी को ढूंढ निकालने की खातिर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। इस हवाले से अभी तक के कोई ज़्यादा अपडेट नहीं मिल पाई है।
जम्मू कश्मीर खादी विलेज की नायब सदर डॉक्टर हेना भट्ट ने आज एस्कॉस्ट वाडोरा कैंपस सुपौर का दौरा किया है, जहां उन्होंने डीन और दीगर स्टाफ से तबादला ख्याल किया। इस मौके से एक खून अतिया कैंप का भी इनेकाद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में रजाकारों ने खून अतिया किया। खास तौर पर तलबा यानी स्टूडेंट ने बड़ी तादाद में इस कैंप में हिस्सा लिया और खून का डोनेशन किया है। इसके अलावा भी एस्कॉस्ट के बैनर तले कई प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसका जायजा लेते हुए डॉक्टर हेना भट्ट ने इदारे की खिदमात की जमकर तारीफ की। एनकरेजमेंट हौसला अफजाई हमारे जो यहाँ के स्कॉस्ट के सोपोर में हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो बहुत ही उम्दा काम कर रहे हैं। ब्लड डोनेशन का कैंप लगाया हुआ है और बहुत खूब तरीके से यहाँ की फैकल्टी जैसा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बच्चों को इन्वॉल्व रखते हैं। न सिर्फ जम्मू कश्मीर के बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, मुल्क के भिन्न भिन्न कोनों के बच्चे यहाँ हैं, मुल्क के बाहर के बच्चे भी हैं। तो ये बहुत ही अद्भुत बात है कि यहाँ एक भाईचारा सिक्योरिटी चाहे लड़कियों के लिए लड़कों के लिए नज़र आ रही है। इतना बड़ा खूबसूरत कैंपस जहाँ पे रिसर्च किया जा रहा है और फार्मर्स को भी फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है, ऐसे मौक़ों पर मैं डिपार्टमेंट को यहाँ की फैकल्टी को मुबारकबाद देना चाहती हूँ। कुछ साल से जम्मू कश्मीर का सिस्टम बदला हुआ है, कुछ साल से पूरे सिस्टम को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, बेहतर इसको प्लेटफॉर्म पे ले जाने की। और डेफिनेटली स्कॉस्ट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट है। जम्मू कश्मीर ट्रक ऑपरेटर्स वेलफेयर यूनियन की जानिब से आज श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिस दौरान यूनियन के जिम्मेदारों ने कहा कि घरचे आज तक कई बार इंतजामिया को किराया तय करने की मांग की गई, ताहम आज तक कोई कदम नहीं उठाया गया है, जिसकी वजह से ट्रक ड्राइवर मुश्किल से दो चार हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मांग की गई कि इस मसले की ओर तवज्जो दी जाए, ताकि उन्हें मजीद मुश्किल से दो चार न होना पड़े। हमारे कुछ मसाइल पेश आ रहे हैं जिनका अजाला हम पिछले 1.5 साल से देख रहे हैं, और जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं जिनकी तरफ से हमें ये मसले पेश आते हैं, हमने बारह कोशिश की उनकी नोटिस में लाने की। हमने गवर्नमेंट के नोटिस में भी ये चीज़ें 1.5 साल से हम ला रहे हैं, लेकिन अभी भी इस चीज़ का अजाला नहीं हो रहा है। वो बेसिक जो चीज़ें हैं मैं थोड़ा एक्सप्लेन भी करना चाहूँगा। जब हमारी गाड़ी कहीं पर लोड करने जाती है तो एक फिक्स किराया होना चाहिए था, ठीक है। वो जब किराया होता है, जैसे वो हमारे साथ जो कमिटमेंट करते हैं, आपको हम 100 रुपये देंगे दिल्ली तक के लिए, तो हमारा तो यही होता है कि अब 100 रुपये हमें दिल्ली तक मिल जाएगा किराया। लेकिन जब हम वहाँ लोड करते हैं एक डेस्टिनेशन पे, तो हमें पता होता है कि ये हमें 100 रुपया देगा, वो कहता है कि ये लो 95 और 97 रुपीज़। हम कहते हैं 3 रुपये कहाँ है हमारा, और वो कहता है कि मैंने आपकी गाड़ी में लोड डाला है इसलिए मैं आपसे 3 रुपये काटता हूँ। तो हम कहते हैं भाई आपने हमारे साथ जो किराया किया है 100 रुपया किया है, ये 3 रुपये क्यों काट रहे हो आप, ठीक है। वहाँ से जब हम निकलते हैं पहले ही वहाँ पर 3 रुपये हमें कम किया जाता है। तो जब हम डेस्टिनेशन पर पहुँचते हैं जहाँ पर बाल पहुँचाना होता है, तो अब हमें वहाँ पता होता है कि अब हमें 97 रुपीज़ मिलेगा। जब वहाँ हम पहुँचते तो वहाँ पर हमें 90 रुपीज़ मिलता है। तो बेसिकली आप जो हमारी लड़ाई है वो यही है कि ये हमारा जो पैसा है ये कहाँ जाता है। तो इसका नाम इन्होंने लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस रखा है, इसी के खिलाफ हमारी जंग है। हम इन्हें कहते हैं हमारे साथ आप लफ्ज करो, एक फिक्स हमारे साथ किराया करो, हमसे फिर वो किराए के बाद आप कोई भी अमाउंट डिडक्ट मत करो। यही इस जम्मू कश्मीर ट्रक ऑपरेटर्स वेलफेयर यूनियन की लड़ाई है। हमें फिक्स किराया चाहिए, और जो किराया आप हमारे साथ करते हो हमें वही अमाउंट चाहिए, उसमें से आप हमसे कोई भी खर्चा नहीं काट। खबरनामा जारी है, वक्त है एक छोटे से एड ब्रेक का।